हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो के साथ। वैसे ये वीडियो जो है बहुत पहले ही YouTube पर मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, पर टाइम ना होने के वजह से इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और वैसे बहुत दिनों हो चुके हैं हम लोग कोई नर्सरी विजिट के ऊपर वीडियो नहीं बनाए हैं, तो ये वाली वीडियो जो है नर्सरी विजिट के ऊपर है। और मैं आप सभी लोगों को पहले ही बोल चुकी थी कि फर्टिलाइज़र में 3 नर्सरी है, तो पहले पर तो वीडियो में बना चुकी हूँ और ये वाला दूसरा है। और ये नर्सरी जो है मुझे लगता है राउरकेला का सबसे बड़ा नर्सरी है, जितना मैं देखी हूँ उससे तो बड़ा ही है। फर्टिलाइज़र में इतने साल रहने के बाद मुझे अगले साल ही मालूम पड़ा इस नर्सरी के बारे में। तो ये नर्सरी जो है मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। और ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ स्टार फ्रूट के पेड़ हैं बड़े बड़े, और इसमें फल भी पूरे भरपूर लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और भी फूल खिले हैं, उनमें भी फल लगना बाकी है। ये सब नीचे में फल सब लगे हुए हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, पर ऊपर में भी बहुत सारे फल जो है लगे हुए हैं, तो उतना ऊपर तक तो नहीं दिख रहा है ये मोबाइल से। और बहुत ही सारे पेड़ हैं यहाँ पर स्टार फ्रूट के और गुआभा के, और गुआभा में भी बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, जिनको ये लोग पॉलिथीन में बांध के रखे हुए हैं पता नहीं क्यों। और कुछ गुआभा के पेड़ में एयर लेयरिंग भी की गई है, अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर गुआभा के पेड़ हैं। और आगे के पास में जाकर मैं आप सभी लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि गोबर की खाद जो है इन लोगों ने वहाँ पर रखे हुए हैं। और इस तरफ जो है बहुत सारे गुआभा के पेड़ जो है लगाए हुए हैं ज़मीन में ही। और यहाँ पर कुछ नारियल के पौधे रखे हुए हैं, फिर इस तरफ जो है मेरीगोल्ड के चारे और सहबती के चारे सब रखे हुए हैं बहुत ही सारा। और ये लोग जो है मार्केट में भी लेके जाते हैं ये पौधों सबको, ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, जितना कर पाते हैं उतने लेके जाते हैं मार्केट सब में भी, लोग वहाँ से भी खरीदते हैं। और ज़्यादातर लोगों को इस नर्सरी के बारे में मालूम नहीं है। और यहाँ पर कुछ पपैया के चारे सब रखे हुए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे चारे हैं। और इस तरफ कुछ गुलाब के पौधे रखे हुए हैं, फिर इस तरफ जो है फलों के चारे सब रखे हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है एप्पल के चारे सब रखे हुए हैं, ये सब पॉलीबैग में ही है। और फिर यहाँ पर आम के कुछ चारे, फिर यहाँ पर नारियल के, और फिर लीची के और जैक फ्रूट्स के चारे सब रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर फलों के ही चारे सब रखे हुए हैं। और ये देखिए, पानी कैसे स्प्रे होके निकल रहा है, तो इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती होगी। और हम लोग आज संडे के दिन आए हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, वरना बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं। और इस तरफ भी बहुत सारे चारे सब रखे हुए हैं, ये देखिए पानी कैसे स्प्रे होके निकल रहा है। और उस तरफ जो है पूरे हिबिस्कस के प्लांट सब रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये मिर्ची के पौधे जो ज़मीन में ही लगाए हुए हैं, ये काली मिर्च है, और इसके साइड में हरी मिर्च है, तो मिर्ची पूरा पौधे में भर के हुई है, अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा भर भर के मिर्ची हुई है। और भी फूल सब खिले हैं, तो उनमें भी मिर्ची लगना बाकी है, और कुछ मिर्ची जो है पक चुके हैं। और ये देखिए, बहुत ही लंबे एरिया में मिर्ची सब लगाए हैं। और ये कुछ बलसम के पौधे, और ये लोग ज़मीन में ही लगाए हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं ये बलसम के फ्लावर सब। और ये वाली जो है बलसम के फ्लावर सब मैं शॉर्ट्स में छोड़ी थी, पहले छोड़ी थी, पर कॉपीराइट आने के बाद मैं उसको डिलीट कर दी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं ये बलसम के फ्लावर सब। और इस तरफ जो है कुछ सब्जी के पौधे भी लगाए हुए हैं, और यहाँ फिर से चारे सब। बहुत ही चारे सब लगा के रखे हुए हैं, तो
वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो रहा था, तो मैं जितना कर पाई उतना छोटा करके आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे चारे जो है लगाए हुए हैं और मुझे कुछ के नाम भी नहीं पता है, तो अभी मैं जो है आप सभी को हिबिस्कस के पौधे सब दिखाने वाली हूँ। पूरा उस एरिया में सिर्फ हिबिस्कस के ही चारे जो है रखे हुए हैं, ये देखिए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर और डबल पेटल्स के सारे तरह के हिबिस्कस जो हैं यहाँ पर है, ये देखिए। कुछ में फूल खिले हैं तो कुछ में फूल खिले नहीं हैं, अभी खिलेंगे बाद में। और इस तरफ जो है मैरीगोल्ड के पौधे सब लगाए हुए हैं। और ये नर्सरी जो है मॉडर्न इंडिया जाने के तरफ रोड से नीचे उतरते टाइम राइट साइड में उस तरफ गली के तरफ है, तो प्रॉपर लोकेशन जो है मैं नहीं दे सकती, ये गली से होते हुए जाता है। और ये फर्स्ट टाइम हम लोग जो विजिट किए थे तो हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग पीछे के रास्ते से आ रहे थे। और इस नर्सरी के पौधों के प्राइस के बारे में कहे तो वही सेम ही प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर सेम ही है। और यहाँ पर और एक जो है फ्रूट्स का पेड़ है, तो इस फ्रूट्स का नाम मुझे नहीं पता है, पर ऑरेंज की तरह ही होता है, पर ऑरेंज से बड़ा होता है। और ये देखिए पूरा एरिया जो है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। और इसमें भी फल जो है पूरा पेड़ भर के ही हुआ है। और मेरी वीडियोज अगर आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं वही रास्ते से।